अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आलू के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रख लिया था, अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। 4 अदद आलू इसे मैंने बॉईल कर लिया था, इसका छिलका उतार लिया है मैंने। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 अदद हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 1 स्मॉल साइज़ की प्याज और 1 प्याली कुकिंग ऑयल। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू का मिक्सचर तैयार करेंगे। आलू में सबसे पहले मैं ये स्पाइसेस ऐड करूँगी, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। इसे अच्छे से अब मैं मैश कर लूँगी। ताकि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। मिक्सचर को अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ, इसे मैं साइड पे कर दूंगी और आटे के अब मैं पेड़े बना लूंगी। एक ही साइज के मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं पहले 1 पेड़े की रोटी बनाऊंगी और इसे चकलेई कर लूंगी अच्छे से। चकले करने के बाद अब मैं इसे बेलने की मदद से बेल लूंगी अच्छे से। दोनों का एक जितना मैंने साइज बना लिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा, ताकि हम मिक्सचर को इजीली लगा सकें और ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। अब मैं एक के ऊपर आलू का मिक्सचर रखूंगी जो मैंने बनाया था पहले। आप चाहें तो एक एक रोटी अलग से बेल के उसके अंदर मिक्सचर लगा के फिर बना सकते हैं। इसकी दूसरी साइड इसके ऊपर रख के तवा मैंने रख दिया है। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है इसको अच्छे से गर्म करने के लिए। तब तक मैं रोटी को अच्छे से बेल लेती हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। ये तकरीबन तैयार है, तवा गर्म हो गया। अब मैं इसके ऊपर पराठा डाल दूंगी। ये इसकी साइड चेंज करने से पहले हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और अब चिमटे की मदद से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और अब हम इसे हिला लेंगे ताकि ये हर साइड से अच्छे से पक जाए। अब इसकी दूसरी साइड पे भी कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इस साइड से ये अच्छे से पक चुका है। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही अच्छे से हिला लेंगे ताकि दूसरी साइड भी इसकी पक जाए। ये बन के तैयार है। अब मैं इसे अलग से रुमाल पे निकाल लूंगी। उन दोनों पेड़ों को भी मैंने एक साइज में अच्छे से बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद आलू का मिक्सचर रखेंगे इसके ऊपर हम। और इसे अच्छे से बेल लेंगे। तवे के नीचे मैंने फ्लेम लो कर दी थी। अब मैं इसके नीचे फ्लेम अलग अगेन हाई कर दूंगी
और इसी तरह हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। बगैर कुकिंग ऑयल डाले भी हम इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, इस तरह भी सही बन जाता है। दूसरी साइड जब तक इसकी बनेगी हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, इसकी दूसरी साइड पे भी कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये बनके तैयार है, अब मैं इसे भी अलग से निकाल। मज़ेदार आलू के पराठे की रेसिपी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप इसका मिक्सचर बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइम निकाल के आप बना सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।